कल समरयाल पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई। 36 वारदातों में मुलविस दो खतरनाक डकैत गैंग्स के 18 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। 38 लाख रुपए मालियत माल मसरूख का भी बरामद किया गया। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सियालकोट सैयद ज़ेशान रज़ा ने जराइम की बहकनी और शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर रखे हैं। इस सिलसिले में DSP सर्कल समरयाल राना मोहम्मद जमील की सरबराही में SHO थाना समरयाल इंस्पेक्टर तारिक महमूद और SHO थाना वाला इंस्पेक्टर लियाकत अली ने टीमों के हमराह कार्रवाई अमल में लाते हुए डकैती राहजनी और चोरी की। 36 वारदातों में मुलविस बिलाल उर्फ बौली और फलक शेर उर्फ फलकी गैंग्स के 18 मुलजमान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान असलहे के जोर पर शहरियों से मोटरसाइकिल, रिक्शे, नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया छीनकर फरार हो जाते, जिन्हें पुलिस टीमों ने पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी को ब्रोए कार लाते हुए ट्रेस करके गिरफ्तार कर ली। दौरान तफ्तीश मुलजमान के कब्जे से शहरियों से छीना हुआ 38 लाख रुपए मालती माल मसरूका, 19 मोटरसाइकिलें, 2 रिक्शे, 1 ट्रॉली ट्रैक्टर, 1 जनरेटर, 2 फ्रीजर, 1,80,000 रुपए नकदी, 2 कीमती मोबाइल फोन और वारदातों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला असलहा, नाजायज 2 दर्जन पिस्टल्स, मामूतदर गोलियां भी बरामद कर ली गई।